टीम इंडिया और लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार खिलाड़ी कृणाल पांड्या अपनी शान छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कृणाल ने अपनी पत्नी पंखुड़ी शर्मा को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था। कृणाल और पंखुड़ी की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। पहली मुलाकात में दोनों की अच्छी दोस्ती शुरू हो गई। चोट के चलते कृणाल काफी समय तक मुंबई में रहे थे। इस दौरान दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2017 में जब मुंबई इंडियंस आईपीएल चैंपियन बनी तो कृणाल को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। खुशी के इस मौके पर कृणाल ने पंखुड़ी को प्रपोज करने का फैसला किया। उन्होंने पंखुड़ी को अपने कमरे में बुलाया जहां हार्दिक पांड्या भी मौजूद थे। गाना गाते हुए कृणाल कमरे में पहुंचे और उनके पीछे मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ी भी आ गए थे। पंखुड़ी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन कृणाल बहुत खुश थे। उन्होंने पंखुड़ी को खड़े होने के लिए कहा और घुटने टेक कर उन्हें प्रपोज कर दिया। पंखुड़ी ने तुरंत हाँ कर दिया और दोनों की शादी ही हो गई। पंखुड़ी का परिवार मुंबई में रहता है। उनके पिता राकेश शर्मा एक बिजनेसमैन है और माँ अनुपमा शर्मा गोवा में इंटीरियर डिजाइनर है। पंखुड़ी की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम तान्या है। ये तो एकदम फिल्मी कहानी है दोस्तों। कृणाल और पंखुड़ी की लव स्टोरी वाकई दिल छुलने वाली है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।